आज चुनावी सभा में उपस्थित राज्य के युवा सम्राट माननीय हेमंत सोरेन जी, मंच में उपस्थित इस प्रदेश के मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, मंच में उपस्थित श्री बादल पत्रलेख जी, मंच में उपस्थित सभी विधायकगण, मंत्रीगण और डुमरी के सम्मानित जनता, मेरा हार्दिक झारखंडी जोहार। आज तेलों की पावन धरती में जहां स्वर्गीय जगत बुधन महतो एवं स्वर्गीय सरयू महतो का वास होता था, वही पावन धरती में आज उनको पहले मैं नमन करता हूं, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज चुनावी सभा में आए हमने चुनावी सभा में हमने के बाबूजी पूरा डुमरी विधानसभा में लगातार 17 साल से अपन काम से पूरा गंगा बहाय दे रहे, लगातार यहाँ के जनता खातिर हॉस्पिटलों में रह गए, ताओ खाली ही एक बार सोचो वाले की करबे की नहीं करबे। लास्ट तारा नारी संस्कृत विद्यालय शिलान्यास करके गले, ओकर बाद यहाँ शिलान्यास करे खातिर ना पड़ल अहेटा हम कहबो विकास के बात बोले नहीं लगे, विकास देखे चीज लगे कि लगातार 17 साल से की करल है की ना करल है, तो नहीं देख रहा है ना जंदे जीवा खाली हम एक वोट लागल लागल है ना, तो हम बोल लागल है ना, बस वहटा अगर काम के सिर्फ धोनी के दाम देना हो, सिर्फ बेबी देवी जी के अपन धोनी आशीर्वाद दिया और विधानसभा भेजे काम करिया, हमने के हेमंत सोरेन सरकार ने और कैबिनेट मंत्री बनाए दे रहे सबको जान रहा ने, एक विधायक और मंत्री में की फर्क है जान रहा ने, बस वहां टाके देखिया तो ने विचार करिया एटा कहबो। और आज आज दो दिन पहले नावाडी में एनडीए के लोग सभा कर रहे थे, चूल्हा प्रमुख के कार्यक्रम होते यहाँ के माए बहन माता सबके बुर्वक बनवे काम कर रहा है, जगन 2019 में भी चूल्हा प्रमुख बनवा रहा है और इस बार भी जगन वोट आवो है तखने अपने चूल्हा प्रमुख के याद आवो है ना। और हर एक चीज 2019 में महिला सबके टोपी पहन कर काम कर रहा है और नावाडी में भी महिला सबके टोपी पहनाने का काम किया है, ऐसे विपक्ष को जवाब देना है अपना मोहर लगा के बेबी देवी जी को जीता के विधानसभा भेजने का काम कर रहे हो। और एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा, यदि कोई मरीज हो तो उसको कहाँ रहना चाहिए, हॉस्पिटल में रहना चाहिए कि चुनावी सभा का मंच में रहना चाहिए? तो एक लोग बोलते हैं कि हम मरीज है और मंच में रहता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नहीं? मैं सीएम साहब से भी आग्रह करूंगा कि उनका जिस बीमारी से ग्रसित है उनसे मैं आग्रह करूंगा कि जो भी बीमारी है उसको इलाज कराने के लिए मैं इनसे आग्रह करूंगा और उनको मैं स्वस्थ होने के लिए भगवान से कामना करता हूँ कि वो स्वस्थ हो जाए। यदि कोई विधायक बन के बीमारी स्वस्थ हो जाए, मैं भगवान से विनती करता हूं कि वो भी विधायक बने और उनका बेटा स्वस्थ हो जाए। यदि बीमारी विधायक मंत्री चिंता लेता है हमारे पापा निधन ना भेटले, सही बात है ना? बोला बीमारी ककरो चिन्ह है कि के विधायक लगे के मंत्री लगे के नेता लगे, तो हेटा हुआ के लोगों के बुर्बक बनवे के आंख में आंसू बहवे के काम कर रहे। और सहानुभूति जहाँ बात करो है, प्रमुख के चुनाव पिछला बार जब भेल होल तो हमने बाबू जी के आशीर्वाद से डुमरी प्रमुख बन के सहानुभूति दिया गया, अभी कौन चीज रोजे रोजे सहानुभूति मिलतो, बात करो सहानुभूति के रोजे रोज सहानुभूति मिलतो, प्रमुख बन ले कुछ कर लेगा और अभी विधायक बने का सपना देखे लागल है। अरे कम से कम जिस दिन मेरे बाप का सब यहाँ आया था उस दिन सब यहाँ दिए गए मेरे साथ आके बोल रहा था बाबू तोर संगे ही हो, चिंता ना करिए,
आज 5 महीना 6 महीना दिन नहीं भेल और अपन प्रत्याशी दे दल गलत किया के लिए आप लोग जवाब दीजिएगा कि नहीं। बस यही आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अपना मत को बेबी देवी जी को देके भारी से भारी मतों से तीर्थधनुष छाप में 1 नंबर में 5 तारीख को सुबह उठे मतदान केंद्र पहुंचे और अपना मत को देके बेबी देवी के हाथ मजबूत करे और दीवान डुमरी विधानसभा का विकास को जो गंगा का नदी बह रहा था इसको करते रहे। यही सब करके अपने बात को विराम देता हूँ। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।